धामी ने की घोषणा। पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निवेश बढ़ाने के लिए 3 माह में बनेगी नई नीति। राज्य में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। सीएम धामी, पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे पास संसाधनों की भी कमी नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कई घोषणाएं की हैं, उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा की है, राज्य के स्थापना दिवस पर ये घोषणाएं कितना महत्व रखती हैं? देखिए, उत्तराखंड बनने के पीछे यही अवधारणा उत्तराखंड के जनमानस की थी कि अपना एक प्रदेश होगा, अपना निजाम होगा, अपना ही तंत्र होगा और अपने ही जनप्रतिनिधि होंगे जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को बखूबी समझेंगे और वहां के विकास का खाका तैयार करेंगे। राज्य गठन से लेकर अब तक 22 साल गुजर चुके हैं। इन 22 सालों में कई सरकारें आई और गई, और ऐसा नहीं है कि 22 सालों में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि 22 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है। लेकिन साथ ही साथ तेजी के साथ जिस हिमालयी बेल्ट बहुत प्राप्त है उत्तराखंड को, उसके साथ जिन योजनाओं पर काम होना चाहिए था, हम काफी हद तक उनमें पीछे रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकारें जब जो भी सरकारें आई, उन्होंने अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। जहां तक युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सवाल है, राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर योजनाओं का संचालन करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि गंगा और यमुना का मायका यानी उत्तराखंड में जल संसाधन की कोई कमी नहीं है, ना यहाँ पर धूप की कोई कमी है, ना पानी की कमी है। ऐसे में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जल विद्युत प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में राज्य और जो तमाम कंपनियां हैं सरकार के क्षेत्र में निवेश करती है उसके साथ काम उन्होंने किया है। उत्तराखंड में जल विद्युत जो प्रोजेक्ट है, तमाम बेरोजगार जो प्रशिक्षित हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिल सकता है, चाहे वो प्रकृति मैनेजमेंट से हो या फिर आउटसोर्स के माध्यम से, तो युवाओं को रोजगार की तलाश का काम भी शुरू हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो लक्ष्य उत्तराखंड का रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय बेल्ट होने के नाते टूरिज्म का सबसे ज्यादा बोल बना है, और टूरिज्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मॉडल को पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया था। और उत्तराखंड जब वो 2013 की आपदा के दरमियान आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो यहाँ पर डेस्टिनेशन सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि देश के लिए और देश के साथ साथ विदेश के तमाम सैलानियों के लिए बन सकता है। यही कारण है कि केदारधाम का पुनर्निर्माण का काम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी निगरानी में मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए किया है, जिसका सीधा मतलब है कि उत्तराखंड में रोपवे है, उत्तराखंड में 13 डेस्टिनेशन है, 4 धाम है, झील है, नैनीताल है जिसमें चोपता है, यानी यहाँ पर बुग्याल से लेकर के वो तमाम बातें, तमाम व्यवस्थाएं हैं जो सैलानियों को आकर्षित करती हैं। जब सैलानी पहुंचता है तो जाहिर सी बात है वो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, चाय भी पिएगा, वो खरीदारी करेगा, तो उसका राजस्व जो होगा उत्तराखंड के नागरिकों को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, और सरकार इसको योजना के जरिए ग्राउंड पर उतारना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, धाम में हुई बर्फबारी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, यमुनोत्री धाम सहित आसपास की चोटियों पर भी हुई बर्फबारी। तो निचले हिस्से यमुना घाटी में बूंदाबांदी जारी है, पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। देश में आज हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताई है बारिश की संभावना, पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है।